बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हंस खेले विधत इनमें छोड़े देह सुपन। श्री महामति के सुख चैन में धनी साथ मिलान। धनी साथ मिलन। साथ जी जागिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंचासीन पूज्य स्वामी जी और सभा में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी के इस प्रकरण के अंदर एक विशेष रूप से जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, साथ जी जागिए, शायद ये शब्द आज के भी नहीं है, ये 400 वर्ष के शब्द है। जागने के लिए जब इस वाणी के अंदर एक बात कही कि साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर इसका अगला चरण है। और जागने का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपने आप को भले आंखें खोले हुए देख रहा हो तो भी व्यक्ति सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? उसकी आंतरिक जो शक्ति है, जिस शक्ति को आत्मा बोलते हैं, वो आत्मा तो अभी जागृत नहीं है, पर शायद शरीर अवश्य जागृत है। और जब मानव का शरीर जागृत है तब तक मानव जागृत कभी भी नहीं कहा जा सकता। जब वो मानव इस ब्रह्मवाणी के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा, तो इस ब्रह्मवाणी में 2 प्रकार का जागना लिखा है। एक वो जागनी है जिसको बोलते हैं ज्ञान से जागनी, और ज्ञान से जागनी हर किसी मानव की होती है, पर शायद आत्मा से किसी की जागनी नहीं होती। आत्मा से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जाग पाते हैं, वरना ज्ञान से तो हर कोई जागता है। ज्ञान लेने के बाद हर मानव ये कहता है कि हम जाग चुके हैं, हम सुंदर साथ हैं। पर ब्रह्मवाणी कहती है यदि आप सुंदर साथ हो और यदि आप जाग गए हो तो जरा इस वाणी की ओर ध्यान देना। वाणी में लिखा है, साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली शिरदार। सुंदर साथ की जमात करोड़ों की हो सकती, लाखों की हो सकती है, पर उसमें सुंदर साथ में जो सैया है, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी। ईमान वाली शिरदार, वो केवल ईमान पर दृढ़ रहने वाली आत्माएं ही हो सकती हैं। बाकी परमधाम की राह पर चलने वाले करोड़ों दिखाई देंगे पर होंगे नहीं। और उन करोड़ों में से चुनाव उन 12,000 का करना हो तो ये वाणी की ये चौपाई कह रही कि साथ में जो यदि ईमान से दृढ़ हो, ईमान से पक्का हो, वही सुंदर साथ हो सकता है, वही परमधाम की आत्माएं हो सकती हैं। वरना जिनका ईमान एक हवा के तूफान आने के बाद डगमगा जाए, वो सुंदर साथ कैसे कहा जा सकता है। बीतक में बहुत प्रसंग आते हैं और ऐसे प्रसंग आपने देखे भी होंगे। एक प्रसंग जिसको आपने कई बार सुना होगा, जयराम भाई कंसारा और जयराम भाई कंसारा के यहाँ जब एक चुगलखोर ठाड़ा किया जाता है, कथावाचकों ने चुगलखोर को खड़ा किया कि कोई प्राणनाथ जी नामक संत आए गांव के अंदर, इस शहर के अंदर, इनको यहाँ से किसी भी तरह निकालना है। और इसलिए ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि ये मूर्ति के बारे में, देवताओं के बारे में अनर्गल बोलते हैं, निंदा करते हैं। आप ये बात बादशाह से जा कर के कह दो। कथावाचक के जितने भी शिष्य थे वो ये सोचने लगे कि यदि हम प्राणनाथ जी की सभा में पकड़े गए तो, यदि ये बात बादशाह को पता चल गई तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए वो सारे के सारे उस दिन सभा में कोई मौजूद नहीं था। सब कोई सभा को छोड़ करके कोई डूंगर के अंदर छिपे, कोई गांव को छोड़ करके चले गए, तो कोई झूठ बोलने लगे कि हम सभा में जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि यदि हम ये बोल देंगे, सत्य कहेंगे, तो हम खुद फंस जाएंगे। और इसलिए व्यक्ति असत्य के सहारे ये भी सिद्ध करना चाहता है कि हम सुंदर साध भी हैं, और ये भी बताना चाहता है कि हम नहीं भी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक ईमान और विश्वास, जिस विश्वास की राह पर चल करके हमें यहाँ पर बताना है कि वास्तव में हम जागृत हैं या फिर नहीं। वैसे तो लोग कहते हैं हम ऑलरेडी जागृत हैं, पर यदि व्यक्ति जागृत होता ना तो कभी अज्ञानता की राह में कभी चलता। यदि जागृत हुआ मानव किसी देवी के मंदिर के सामने जाकर के नारियल नहीं फोड़ता, पर कहना पड़ता है सुंदर साथ को कि वो सुंदर साथ करोड़ों बार चर्चा सुनने के बाद भी जब कोई ऐसी आफत आए तो देवताओं के घर पर जाकर के खड़े हो जाते। क्यों? जब किसी को पता चला कि यहाँ पर कोई मन्नत मांगने से किसी की इच्छा पूर्ण होने वाली है, तो पता नहीं कितने मंत्र का जाप भी कर लेंगे और अंत में कहते हैं थोड़ा बहुत तो चलता है। एक ही शब्द यूज होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। ऐसा करने से हमारा और राज्य का कुछ बिगड़ने वाला? ये तो शरीर का धर्म हम निभा रहे, आत्मा का तो राज्य के साथ नाता है ही है। बोलो श्री प्राणनाथ। शरीर और आत्मा में अलग अंतर दिखाई देते हैं, बता देते हैं कि ये धर्म हम आत्मा का निभा रहे। कई लोग तो इतने बुद्धिमान है कि कहने लगते कि जीव का मालिक तो आदिनारायण है, और आदिनारायण के जितने भी देवता है उनकी पूजा करने में क्या हर्ज और क्या दोष है। दुख होता है जिन जीव के लिए आप इस ब्रह्मवाणी की सभा में बैठे हो, जिन मुक्तियों के लिए इस सभा के अंदर बैठे हो। मैं पूछता हूं कि दुनिया में जिस मुक्ति के लिए लोग तरसते हैं, क्या वही वैकुंठ आपके लिए बना है या किसी और के लिए बना है? शास्त्र तो कहते हैं लक्ष्मी जी इतनी नाराज हुई कि लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवी, आपकी शादी मेरे साथ हुई है और मैं आपको खुश करने के लिए ऐसा कौन सा काम करूं जिससे आप खुश हो जाएंगे। और उस देवी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान ने वैकुंठ की रचना की। ना कि लोग कहते कि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ बना है, पर शास्त्र कह रहे हैं कि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ये किसी अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ की रचना हुई हो। वहां दुनिया का मानव कहता कि हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो अवश्य मिलेगी, पर यह मुक्ति वैसी है जैसे पन्ना में आए और किसी होटल में ठहर गए हो, और ठहरने के बाद 10 दिन का भाड़ा दिया। भाड़ा देने की क्षमता है तब तक होटल वाले ने रखा, जैसे ही भाड़ा पूरा हुआ तो होटल वाला क्या कहेगा, भाई साहब अब खाली कर दीजिए। क्यों बोलेगा? क्योंकि उनको पता है कि अब इसका जेब गर्म रहा। जब तक मानव का जेब गर्म है तब तक होटल वाला भी नरम है, और जैसे ही मानव का जेब नरम हुआ तो होटल वाला गर्म हुआ। सिस्टम पर इतनी भरे। दुनिया में जितने भी तमाम संप्रदाय के अनुयायी यदि कितनी भी भक्ति करें, पर यदि भक्ति करने के बाद उसके पास पुण्य रूपी धन भरा पड़ा है, उसका पुण्य रूपी धन से उसका खिस्सा और जेब भरा पड़ा है, तब तक तुम्हारे इस दुनिया के देवता के मालिक इंद्र भगवान और त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान तब तक प्रसन्न है जैसे ही आपके अंदर की क्षमता और आपका जेब ठंडा होने लगा। वो कहने लगेंगे कि भाई साहब अब वापस रिटर्न हो जाओ। कहाँ भेजेंगे? जहाँ से गए हो वहाँ रिटर्न भेजना पड़ता है। और इसलिए इस पांच पद्मावती पूरी धाम पन्ना को मुक्ति का धाम भी बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि यहाँ हर जीवों को भी मुक्ति मिलने वाली है। क्या आत्माओं को मुक्ति होने वाली है कि जीवों को मुक्ति होने वाली है? किसको मुक्ति होने वाली है? जीवों को। कोई किसी को यह सवाल होता है कि आत्माओं को मुक्ति होने वाली है? क्यों नहीं होने वाली आत्माओं को मुक्ति? जो मुक्त है उसको कोई मुक्ति दे नहीं सकता, वो सदा मुक्त है। और जो सदा मुक्त है उस सदा मुक्त आत्माओं को यदि किसी के बंधन में पड़ने की जरूरत पड़ती नहीं। आत्मा तो इस त्रिगुणातीत अवस्था से परे हैं, इस बंधन से परे हैं, प्रकृति के बंधन से परे हैं। कोई बंधा है इस प्रकृति के अंदर तो केवल ना केवल जीव बंधा है, बाकी आत्माएं कभी बंधन में बंधती नहीं है। पर आत्मा इस जीव के सहारे रहती रहती सुख और दुख का अनुभव अवश्य करती है। कैसे? रास्ते में चलते हुए अपने बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए और कौन सी ऐसी मां होगी जिस मां के आंसू ना बहे हो? कौन सी ऐसी मां होगी जिस मां को रोना ना आया हो? कौन सी ऐसी मां होगी जो मां ये नहीं कहेगी कि हाय ऐसे कैसे हो गया? अवश्य होगा। ये धबकारे इतने बढ़ जाते हैं कि शायद बेटे तक जाते जाते मां को अपने वस्त्र का भी भान ना रह पाए। इतना दर्द उस मां के अंदर होने लगता है। अभी तक तो मां को एक खरोंच भी नहीं आई, मां को थोड़ी सी पीड़ा तक नहीं हुई, पर दर्द किसको देख करके हो रहा है? बेटे को देखकर। बोलो श्री प्राणनाथ। दर्द बेटे को देखकर हो रहा है, अभी मां को तो कुछ हुआ नहीं। इसी प्रकार आत्मा को इस दुनिया की वस्तु छू नहीं सकती, पर जीव जब दुख के बंधन में पड़ रहा है तब जीव को देख करके आत्मा स्वतः दुखी होने लगती है। और उसको लिखा है दर्शन के अंदर वृत्ति सारूप्यम इति रत्र। हे मानव, तू वृत्ति सारूप्यम कभी मत बनना। तेरा घर अवश्य टूटेगा, पर तू नहीं टूट रहा। पर जलते हुए घर को देख करके ऐसा कोई मानव नहीं होगा जो अंदर से जलता ना हो। टूटते हुए घर को देख करके कोई मानव ऐसा नहीं होगा जो ये सोचेगा कि मैं टूट नहीं रहा हूं। टूट रहा घर है, पर उसको ऐसा लगता कि मैं खुद टूट रहा हूं। क्यों? क्योंकि मानव वृत्ति सारूप्यम है। और जब मानव वृत्ति सारूप्यम हो रहा तब मानव को आभास हो रहा है। और इसी प्रकार आत्मा और जीव बिल्कुल अलग है, पर जैसे इनका दोनों का संगम हो रहा है, संगम के कारण आत्मा जीव के कारण दुखी होती है, वरना आत्मा कभी दुखी हो सकती नहीं। अब मुक्ति दिलवानी किसको है? जीव को दिलवानी। जब मुक्ति जीव को दिलवानी है, वाणी में मुक्ति देने का नाम केवल जीव को कहा है। यहां जागृत होने का जो प्रसंग है ना, जीव को जागृत होने को नहीं कहा, किसको कहा है? आत्म को। साथ जी जागिये, आत्मा को जागृत होने के लिए कहा है। और जागृत होने का तात्पर्य कि जब हम ज्ञान के माध्यम से इस दुनिया के अंदर रहते रहते उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को जब पहचान जाएं और पहचानने के बाद इस ब्रह्मवाणी के पद चिन्हों पर चलने लगें, और तब हम अपने आत्मा की ओर जब नजर डालें तब पता चलता है कि आखिर जागृत किसे कहते हैं। वाणी कहती है ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्क आत्म खड़ी होए, जब हक सुरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखियो सोई। जब आत्मा के अंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की छवि बस जाए, उस परमात्मा का इस आत्मा के अंदर सौंदर्य बस जाए, तो समझ लेना कि अब आत्मा जागृत हो रही है। पर ज्ञान से जागृत होना और आत्मा से जागृत होना दोनों में बहुत फर्क है। जो मानव ज्ञान से जागृत होता है वो मानव केवल शुष्क भर रह करके रह जाता है, बाकी जो आत्मा से जागृत होता है वही मानव कभी परमहंस की अवस्था में जाता है, वही एक सुंदर साथ की रहने में आ पाता है। वरना अनेकों लोग हैं करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोगों में। वाणी में तो ये बात शब्द कही, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं। अखंड राज्य महाराज ने कहा मैं दुनिया को अखंड अवश्य करूंगा, पर राज्य महाराज ने ये नहीं कहा कि कौन सी भीष्ट में मैं अखंड करूंगा। ये भी जानने वाली बात है कि यदि अखंड होना चाहते हो तो पहली भीष्ट किसके लिए बनी है? ब्रह्म सृष्टि के जीवों के लिए बनी है। अब ब्रह्म सृष्टि के जीवों के लिए पहली भीष्ट बनी है, पर ब्रह्म सृष्टि के जीवों के कर्म कैसे होने चाहिए तब उनको पहली भीष्ट मिलेगी, ये जानने की बहुत जरूरत है। कोई कहता है कि हमने तारतम लिया और वर्ष में एक बार यदि किसी सभा में चले गए और अंत में सभा पूरी हुई और सुंदर साथ ने कहा एक बार तारतम मंत्र का पाठ कर लेना, यही भक्ति है, तो मैं कहता हूं कि ये भक्ति बिल्कुल नहीं है। लोग सोचते कि वर्ष में एक बार यदि हम अगरबत्ती और दीवाबत्ती जला लें यही भक्ति है, तो ये भक्ति नहीं। केवल भक्ति के नाम में हम वर्ष में एक बार दीवाबत्ती कर रहे, केवल फर्ज भरे, पर भक्ति वो है, धर्म वो है जिस धर्म की राह पर आने के बाद मानव कुछ बदल जाए। भक्ति और धर्म के अंदर, धार्मिकता के अंदर आने के बाद यदि जागृत हुए मानव और अजागृत हुए मानव के अंदर फर्क कितना है, जरा ध्यान के साथ सुनना। लोहे को अग्नि के किनारे पर रखिए और वही लोहा यदि अग्नि के किनारे पर पड़ा पड़ा गर्म हो गया और गर्म होने के बाद अग्नि ठंडी हो गई तो लोहा भी ठंडा हो जाएगा, लोहे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पर यदि यही लोहा उस भट्टी के अंदर डाला जाए और गर्म होने के बाद उस लोहे के अंदर यदि हथौड़ा उसके ऊपर पड़ जाए तो शायद उसका आकार बदल जाए, और जब उसका आकार बदलेगा तब वो एक निखर करके नए आकार के साथ आएगा। धर्म और भक्ति की राह पर किनारे खड़ा मानव सभा में बैठा बैठा ये तो अवश्य कह देता है चर्चा इतनी अच्छी थी कि मुझे रोना आ गया, चर्चा इतनी अच्छी थी कि मूड फ्रेश हो गया, चर्चा इतनी अच्छी थी कि आज हंसे बिना रह नहीं पाया। ये तो केवल सभा में बैठ करके गर्म होने वाली चीज है, पर जब सभा से उठ करके चल कर जाने के बाद मानव यदि बदल जाए तो शायद आप उस चर्चा के अंदर बैठे हो, वरना चर्चा के अंदर बैठे अवश्य हो पर चर्चा आपके अंदर अभी बैठी नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। हम चर्चा के अंदर बैठे चाहे ना बैठे पर चर्चा अपने अंदर अवश्य बैठनी चाहिए। इसलिए कई बार कहते हैं कि वाणी मंथन, वाणी चिंतन, वाणी अध्ययन, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये ब्रह्मवाणी बैठनी चाहिए। आप ब्रह्मवाणी में बैठो या ना बैठो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। लोग कहते कि हम सभा में बैठे, पर सभा में नहीं बैठे। सभा में तब बैठने लायक हो जाओगे जब सभा में जो सुन रहे वो आपके अंदर बैठ जाए। और इसलिए जागृत होने का तात्पर्य है जब मानव इस धरा पर रहता रहता मानव अपनी अवस्था को बदलता बदलता एक आत्मा की ओर जाता है, और जब आत्मा अपने आप को अग्रसर करने लगती परमात्मा की ओर कदम बढ़ाने लगती है तब हमारी जागनी चालू हुई। वरना जागनी केवल कहने से यदि कोई जागृत होता है तो सच्चा जागृत नहीं है, वो केवल कहता भर है। और इसलिए मैंने बहुत लोगों को देखा है यदि किसी के पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाए ना, इतना अहंकार होता है ना कि लोगों को ऐसा लगने लगता कि इससे बढ़कर कोई अहंकारी या इससे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं होता। कबीर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो करे लातम लात। अधूरा ज्ञानी, हमारी गुजराती में एक कहावत है अध गगरी झलकत जाए, कि आधो घड़ो सदा झलकाए। अधूरा घड़ा होता है ना पानी का, वो सदा झलकता है पर पूरा भरा कभी झलकता नहीं है। और इसलिए ज्ञान का यदि कुछ सागर आपके अंदर आ गया तो ऐसा मत सोच लेना कि हम सब कुछ पूर्ण हो गए। ब्रह्मवाणी कहती मारा कहा काढ़ा कहा और कहा हो जुदा, यही में खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। यदि आप अपने अंदर परमात्मा को बसाना चाहते हो तो इस ज्ञान के सहारे आ तो गए हो। एक महात्मा एक बात कहते हैं, ज्ञान एक ऐसी चीज है ऊंट के समान है, और यदि ऊंट के ऊपर बैठा व्यक्ति एक बार बैठ तो अवश्य जाता है, पर बैठने के बाद उसको हिलना तो अवश्य पड़ेगा। ऊंट कैसे भी संभल संभल के भी चले ना, तो भी ऊपर बैठा हिले ना, ऐसे कभी हो सकता नहीं। वो हिलेगा हिलेगा और हिलेगा। इसी प्रकार ज्ञान, कोरे ज्ञान को लेने वाला यदि परमात्मा की राह पर गुजर गया तो उसका जीवन बदल जाएगा, और यदि राह पर नहीं चला तो जीवन से उल्टी गंगा बहती है और वो अहंकार की ओर बढ़ने लगता है। और जब अहंकार उसके अंदर पनपने लगता है तो जागृत होने की तो दूर की बात, वो अजागृत हो जाता है। बहुत लोग, कहना नहीं चाहिए पर पुराने लोग एक बात कहते हैं, हम परिपक्व हो चुके हैं। और परिपक्व किसको बोलते हैं? नयों को कुछ करने की जरूरत है, पुराने को तो करने की जरूरत नहीं है। आय मार्फत में चल रहे हैं हम लोग। और जब व्यक्ति कहता कि मार्फत में चल रहे हैं, मार्फत स्वरूप में चलना कोई सामान्य बात नहीं है। वो व्यक्ति चल सकता है जिसको ये नहीं पता कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, बालक किसे कहते हैं, पशु किसे कहते हैं। जिसको ये आभास ना हो, ये तो मार्फत में जा सकता है। पर जिसको ये पता हो कि ये स्त्री हो, ये पुरुष हो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जानने वाला व्यक्ति कभी मार्फत में जा सकता और ना ही ये ज्ञानी हो सकता है। पर अपने आप को परिपक्वता बताने वाले व्यक्ति कभी परिपक्व हो भी नहीं सकते। परिपक्व, पका हुआ फल ये कभी नहीं कहता कि मैं पका हुआ। और जिस झाड़ पर, जिस वृक्ष पर यदि फल लगे हों, वो वृक्ष कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करवाता, जैसे उसकी डालियां खड़ी वैसे नहीं करवाता, वो बिल्कुल झुका रहता है। इसी तरह ज्ञान से परिपूर्ण मानव कभी भी अकड़ में खड़े नहीं रहते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञान से परिपूर्ण मानव सदा झुका रहता है। इसी तरह वाणी के अंदर लिखा है कि यदि आप इस धर्म की राह पर चल रहे हो, इस वाणी की राह पर चल रहे हो, तो ज्ञान से अवश्य जागृत होना, और ज्ञान से जागृत होने के बाद दूसरे नंबर की जागृति अवश्य लाना। यदि पहले नंबर की जागृति हैं तो कोशिश अवश्य करना कि हम दूसरे स्टेप पर भी चढ़ जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी आप जागृत नहीं, जागृत तो हर कोई है, पर केवल ज्ञान से। जागृत तो आप तब हो जाते हो जब आपको तारतम दे दिया जाता है, आप इस ज्ञान को ले लेते हो। पर दूसरे नंबर पर जागृत होने के लिए पूज्य स्वामी जी बारंबार निवेदन करते हैं कि ध्यान और साधना की ओर आगे बढ़े, चितवनी की ओर आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि साधना ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से मानव जागृत हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि मानव वास्तव में अपने इस कर्म के बंधन से मुक्ति करना चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो निश्चित रूप से मानव धर्म की ओर आगे बढ़े और साधना की ओर आगे बढ़े। कौन सा ऐसा मानव है जिस मानव के अंदर कुकर्म भरे ना हो? कौन सा ऐसा मानव है जो कर्मों के बंधन से छूटा ना हो? हर मानव कर्म के बंधन से मुक्त है, पर तब मुक्त है जब वो ब्रह्मवाणी और परमात्मा के सहारे। वरना वो मानव सदा कर्म के बंधन में पड़ा रहता, जो परमात्मा से कोसों दूर है। परमात्मा को जानता अवश्य पर मानता बिल्कुल नहीं। और ऐसे मानव के लिए शास्त्र में कहा है, यदि कर्म से मुक्ति चाहते हो तो शास्त्र के अंदर उपनिषद में एक बात कही, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। यदि आप चाहते हो तो बोले परमात्मा को अपने हृदय के अंदर विराजमान करो, और उस परमात्मा को जब आप अपने अंदर विराजमान करोगे तो क्या होगा? तब आपके अंदर के सारे कर्म और कुकर्म दोनों ही चीज छूटने लगते हैं, और धीरे धीरे मानव उन कर्मों के बंधन से छूट करके परमात्मा की ओर जाता है, संशय मुक्त हो जाता है और कर्म के बंधन से भी मुक्त होता है। और वो एक सरल वाणी, इस ब्रह्मवाणी में इस बात को कहा है कि यदि आप कर्म के बंधन से पार होना चाहते हो तो परमात्मा का चिंतन कर लेना, वरना यदि कर्म के बंधन में पड़े रहना हो तो कभी मत करना। और ये कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए एक परमात्मा के नाम का सुमिरन करना। और इसीलिए इस कलयुग की सबसे बड़ी महिमा तो इसीलिए बताई, वरना इस कलयुग के अंदर ना सत्य बचा है, ना तप बचा है, और ना ही ज्ञान बचा। ज्ञान भी है तो कहीं भ्रमात्मक ज्ञान है, कहीं संशयात्मक ज्ञान है, कहीं अभावात्मक ज्ञान है। निर्णयात्मक ज्ञान तो किसी के पास ही होता है, हर किसी के पास होता नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों के अंदर कहा है कि यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो एक ही मार्ग बच जाता है, सुमिर सुमिर नर कर उतर ही पारा। यदि तुम इस दुनिया के भव सागर से पार होना चाहते हो तो परमात्मा के नाम का सुमिरन करना, उस सुमिरन से आप भव सागर से पार हो जाओगे। और यदि सुमिरन ना करा और ना ही तप के लायक बने और ना ही सत के लायक बने तो इस भक्ति के टाइटल को लगाना व्यर्थ है। शुद्ध घी घहने से शुद्ध घी नहीं हो जाता, इसलिए निजानंद संप्रदाय की मोहर लगाने से कोई इस निजानंद संप्रदाय के अनुसार मुक्त नहीं हो जाता। यदि आप मुक्ति को चाहते तो अवश्य एक परमात्मा का चिंतन करना। और परमात्मा के चिंतन के अंदर मैंने ये बात पहले कहा था कि यदि मुक्ति लोग पाना चाहते हैं तो ये मुक्तियाँ तो उन होटलों के समान हैं जिन होटलों में जाने के बाद मानव के पास पुण्य रूपी धन है तब तक रहते, बाकी तो वो मालिक भी इस दुनिया में भेज देते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि एक बार यदि तुम मेरे नाम का सुमिरन कर लो तो सदा सदा के लिए मैं भव सागर से पार कर दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। और सदा सदा के लिए भव सागर से पार करने के लिए कोई वादा किया हो तो मेरे प्रियतम प्राणनाथ ने किया, वरना दुनिया में ऐसा कोई देव नहीं हुआ जिस देव ने कहा हो कि हम इस दुनिया से आपको सदा सदा के लिए मुक्ति दिला देंगे। दुनिया में ज्ञान अवश्य दिया जाता है पर किसी को मानव बनने का ज्ञान दिया जाता है, किसी को पुनर्जन्म में मानव बनने का ज्ञान दिया जाता है, किसी को स्वर्ग में जाने के लिए ज्ञान दिया जाता है और किसी को बैकुंठ में जाने के लिए ज्ञान दिया जाता है। और कहते हैं कि यदि वहाँ टाइम के अनुसार कुछ टाइम मिला वापस भी आना पड़े तो भी मानव जन्म मिले, इसलिए ज्ञान दिया जाता है। पर ब्रह्मवाणी कहती हैं कि आप इस कर्म के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। और ये ब्रह्मवाणी उस मुक्ति के ज्ञान को देने वाली है, ना कि इस कर्म के बंधन में लाने वाली, कर्म के बंधन से छुड़ाने वाली है। मैं तो कहता हूँ कि हर मानव कर्म के बंधन से कभी छूट भी नहीं सकता। एक मानव दिन में कितने अन्न को खाता है? जिस अन्न को, जिस गेहूं को, जिस चावल को, धान को खाते हो, आप नहीं जानते कि उस धान को और उस गेहूँ को पकाने के लिए एक खेडूत कितने कीड़ों को मारता है। करोड़ों कीड़ों को मारने के बाद यहाँ अन्न पहुँचता है और उस अन्न को जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो भी पाप का भागीदारी है। चाणक्य नीति के अंदर लिखा है खाने वाला, देने वाला, पकाने वाला ये सबके सब क्या है? पाप के भागीदारी। चाहे उसमें मांस हो चाहे पाप की कमाई हो। आज के टाइम में यदि सब्जी को पकाना हो तो भी कई बोतल दवाएं छिड़कनी पड़ती हैं तब जाकर के व्यक्ति अन्न पहुंचा बना पाता है, पका पाता है। इसी प्रकार हम इस कर्म के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते, पर कर्म के बंधन से मुक्त होने का एक ही तरीका है ये ब्रह्मवाणी। और ब्रह्मवाणी यही बात कहती हैं कि यदि आप इस अग्नि रूपी परमात्मा के किनारे बैठे हो, अपने आप को डाल दीजिए उस अग्नि में और बदल दीजिए अपने आकार को, अपने आप को बदल दीजिए, उन परमहंस की राहों पर ले चलिए जिन राहों में आने के बाद दुनिया में ये शास्त्र ये बात कही थी कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रस खोज थके त्रैगुण, कि जिसके लिए देवता भी तरसते हों कि ऐसे परमहंसों की चरण रज मिल जाए। उन परमहंसों की बात कही है जो इस प्रकृति से बंधन से परे हैं, प्रकृति के बंधन से मुक्त हैं। ऐसे व्यक्ति की बात कही है जो व्यक्ति अपने आप को एक मानव सिद्ध नहीं कर सकता, क्या उसकी चरण रस देवता खोज सकते? कभी खोज सकते नहीं है। पर उन परमहंसों की बात कही है जो अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं, जो अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, ऐसे परमहंस की बात कही है। तो इसलिए सुंदर साथ जी एक ही बात है कि आप इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से आत्मा से जागृत अवश्य हो। ज्ञान से तो आप सभी जागृत हैं, हम भी जागृत हैं, पर आत्मा का मार्ग जो ज्ञान की ओर से आगे बढ़ता है ये मार्ग पूज्य स्वामी जी बारंबार बताते हैं। सुबह उठा करके भी उसके बारे में बार बार वर्णन करते हैं कि आत्मा को ध्यान की ओर ले जाने का फायदा क्या है। बार बार कहते हैं कि एक ठंडी में पड़ा मानव अग्नि के किनारे जाने की कोशिश करता है और अग्नि के किनारे बैठे बैठे उसकी ठंडी दूर हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा की साधना को करने वाला मानव साधना करता करता धीरे धीरे अपने ही इस कुकर्मों को और विकारों को साफ करके उसके सानिध्य में आता है और एक पवित्र बन करके उस परमात्मा के चरण में जाता है। तो ये ध्यान और ये तप एक आपको शुद्ध और पवित्र करता है। तो इसीलिए इस ध्यान की ओर आगे बढ़े और इन्हीं के अनुसार ये ब्रह्मवाणी को वास्तव में जो जागनी किसे कहते हैं, तो आपको मैंने कहा था, ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्क आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोई, तब आत्मा की जागृति मानी जाएगी, वरना ज्ञान से ही जागृति मानी जाएगी। सकल आउद अंग साज के, सकल आउद अंग साज के कहने का तात्पर्य, आउद का तात्पर्य हथियार, और हथियार कैसे, जो माया से लड़ने के जो हथियार हमें रज्जी ने दिए हैं, कहीं ईमान है, कहीं निष्ठा है और कहीं श्रद्धा है। ये श्रद्धा परिवर्तित तो होकर के माया की ओर ना चली जाए। मोह भी हो तो परमात्मा को हो, लगाव भी हो तो परमात्मा को, कामना भी की जाए तो परमात्मा की जाए, स्मरण भी किया जाए तो परमात्मा का किया जाए और तप भी किया जाए तो परमात्मा का किया जाए। वरना भर्तृहरि तो कहते हैं, तपो न तप्तम मये में तपता, कि हे मानव तू तप नहीं करता, तप में तू तप रहा है। इस दुनिया के त्रिविध तप में मानव अवश्य तपता है और तपता ऐसा तप जाता है कि एक ऐसा दिन आता है कि वो अग्नि की भट्टी में तप जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। और हमें अग्नि की भट्टी में नहीं तपना, हमें उस परमात्मा की साधना में तपना है। और इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसलिए इस हथियारों को ब्रह्मवाणी रूपी हथियार हैं और ब्रह्मवाणी रूपी इस हथियार के साथ सहायता से आप इस माया के हथियारों को परास्त कर सकते हैं। इसलिए इस ब्रह्मवाणी को आत्मचिंतन के साथ हम अपने हृदय में उतारें। दौड़ मिली धनी निज घर, उस आत्मा को उस परमात्मा की ओर ले जाना ही सच्ची जागनी है, यही ब्रह्मवाणी कहना चाहती है। और इसी के आधार पर हम अपने कदम को आगे बढ़ाए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। साथ जी जागिए, साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, सुन के शब्द आखिर, सकल आवध अंग साज के, सकल आवध अंग साज के, दौड़ मिले धनी निज घर, दौड़ मिलिए धनी निज घर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।